हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर एक निबंध देखेंगे, तो आप सभी पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और इसे नोट डाउन भी करते जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हुआ था और हर साल हम सभी इस खुशी के मौके पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम सभी इसे करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। पराधीन सपने हो सुख नाही, कविवर तुलसीदास की यह पंक्ति स्वतंत्रता का महत्व बताने के लिए काफी है। मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षियों को भी आजादी प्रिय होती है। भारत देश को लंबे समय तक अंग्रेजों की दासता में रहना पड़ा था। लगभग 90 वर्ष तक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के उपरांत देश को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। आज हम सभी भारतीय स्वतंत्र हैं। 15 अगस्त एक महान घटना। स्वतंत्रता दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व सन 1947 से प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इस दिन सरकारी भवनों, सरकारी कार्यालयों, लाल किले आदि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा झंडा फहराया गया था। लोगों ने दासता से मुक्त होकर स्वतंत्रता की उन्मुक्त सांस ली थी। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक उस समय पूरे देश में उत्सव का माहौल छा गया था। देश में भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय के नारे लगाते हुए लोग खुशी मना रहे थे। स्वतंत्रता दिवस पर अनेक कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस की स्मृति में आज भी 15 अगस्त के दिन प्रति वर्ष यह पर्व हर्ष एवं उल्लास से मनाया जाता है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। इसी दिन सरकारी कार्यालयों, दुकानों, कारखानों, विश्वविद्यालयों आदि में अवकाश रहता है यानी छुट्टी रहती है। स्वतंत्रता दिवस के दिन यह एक दिन पूर्व विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रीय भक्ति से ओत प्रोत गीतों का गायन किया जाता है, यानी हम राष्ट्रीय भक्ति गीत भी गाते हैं। राष्ट्रीय भावना जागृत करने वाले नाटकों का मंचन, भाषण तथा वाद विवाद का आयोजन किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी में देश प्रेम तथा देशभक्ति की भावना विकसित हो सके। अब हम लिखेंगे उपसंहार। हजारों वीरों एवं महापुरुषों तथा महापुरुषों के बलिदान से प्राप्त इस आज़ादी की हमें सच्चे मन से रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने अंदर देशभक्ति और स्वाभिमान का भाव सदैव बनाए रखना चाहिए। साथ ही देश की स्वतंत्रता की ओर आंख उठाने वालों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और अपनी कॉपी में इसे आप सभी अच्छे से नोट डाउन करेंगे और जब भी एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा यानी 15 अगस्त के ऊपर आपको निबंध लिखने को पूछा जाएगा तो आप अच्छे से करेंगे।